हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज या ब्लैंक पेज या फिर पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कवर पेज। कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपने उसके कवर पेज इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप में सबसे पहले हम देखेंगे कवर पेज। तो जैसे ही मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कवर पेजेस अवेलेबल हैं। कवर पेज जो है वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा और आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इसमें से जैसे मैंने ये कवर पेज इंसर्ट करना है तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी लिख के जैसे मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखा है तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल दे सकते हैं। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। कवर पेज आपका फर्स्ट पेज बन जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का और आपके डॉक्यूमेंट को ये एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। आप अपने कवर पेज में कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब के अंदर जो पिक्चर्स हैं आप इससे बाहर आ जाइए। तो पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए। तो ऑनलाइन आपने पिक्चर लेनी है या इस डिवाइस में से कोई पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखिए वर्ड के लिए इमेजेस आ गई हैं, आपने उसको इंसर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक इमेज जो है वो इंसर्ट हो गई है। इस तरह से आप अपने कवर पेज पे एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के बाद आप और कवर पेजेस के लिए मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको और कवर पेजेस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपने इस पेज को फर्दर यूज़ के लिए सेव करना है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पेज को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जो आपका कवर पेज है इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको फर्दर यूज़ के लिए सेव करना चाहती हूँ तो मैं कवर पेज ऑप्शन पे जाऊँगी, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे एक नाम पूछेगा तो मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दे दिया है और इसको ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब कवर पेजेस में ये लास्ट में बिल्कुल मेरा जो कवर पेज मैंने क्रिएट किया था वो क्या हो गया है, सेव हो गया है। अब किसी और डॉक्यूमेंट को आपने सेम कवर पेज देना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपना जो कवर पेज है उसको रिमूव करना है तो उसके लिए ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं मेरा जो कवर पेज है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज को लगा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और फर्दर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। अब सपोज़ कीजिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा और कुछ टेक्स्ट के बाद मैं कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसके बाद जिस टेक्स्ट के बाद मैंने एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाना है मैं वहाँ पर क्लिक करूँगी
और इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप में ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगी। अब जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा एक नया ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट हो गया है। ये देखिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी कीबोर्ड के रिलेटेड वो यहाँ पे है फर्स्ट पेज पे। मैंने इसके बाद ब्लैंक पेज इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं एक नया ब्लैंक पेज पेज नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, और बाकी का मेरा जो टेक्स्ट था माउस और जॉयस्टिक के रिलेटेड वो पेज नंबर 3 पे शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप में ब्लैंक पेज को क्लिक कीजिए। तो अब मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 3 हो गए हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट हम इंसर्ट करने हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ऑप्शन आप पेजेस ग्रुप के अंडर पेज ब्रेक पे क्लिक करके भी ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड का एक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करके पेज ब्रेक इंसर्ट करवा सकते हैं। पेज ब्रेक हम तब इंसर्ट करवाते हैं जब हमें एक पेज में थोड़ा सा जो पेज है वो ब्लैंक चाहिए होता है, मतलब पूरा पेज हम नहीं ब्लैंक रखते हैं, कुछ पार्ट पेज का हमें चाहिए होता है टेक्स्ट लिखने के लिए, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक इंसर्ट करवाते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए मैं अपने थर्ड पैराग्राफ से पहले यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ जहाँ पे मेरा ओवर हुआ है उसके बाद मैंने पेज ब्रेक इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके गई और मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक, तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये इस पैराग्राफ के बाद जो मेरा पेज था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है और मेरा जो थर्ड पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पेज नहीं इंसर्ट हुआ है, पूरा पेज हमारा ब्लैंक पेज के ऑप्शन में इंसर्ट होता है और पेज ब्रेक में सिर्फ कुछ पोर्शन जो है पेज का उतना ही हमारा इंसर्ट होता है, वहाँ से पेज आपका ब्रेक हो जाता है और जो टेक्स्ट होता है उसके बाद वाला वो नेक्स्ट पेज पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह आप कोई भी कवर पेज, ब्लैंक पेज या फिर पेज ब्रेक अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।